हैदराबाद में हो रहा था मौसम, तो हमने सोचा कि भाई क्या करें, पकोड़े झकोड़े खाते हैं, जाम छोर हो जाते हैं। लेकिन जाम छोरों के जब हम पहुंचे तो ऐसी तेज बारिश हुई कि हमने बोला अब यहाँ से क्या करें, वीडियो भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने बोला चलो यार यहीं से कोटरी की तरफ निकल जाते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटरी में हिरन चौक पर, जहाँ पर मिलते हैं मशहूर पकौड़े, और यहाँ से जाती रहती है हर वक्त ट्रेनें। बारिश का मौसम हो रहा था तो हैदराबाद में हमने सोचा कि हैदराबाद से थोड़ा बाहर निकल के मौसम को एंजॉय किया जाए। हमें नहीं पता था कि रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी और हम जो है ऊपर से नीचे तक नहा लेंगे। अभी भी आप देखें बारिश हो रही है, कैमरे पर बारिश आ रही है, और मेरा कैमरा भी पागलों की तरह उसका सॉफ्टवेयर है ना एक्ट करने लग गया, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी चला गया। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पानी आप देख सकते हैं, बारिश फुल तेज़ हुई है, फुल टना टन, फुल मज़े करते हुए बारिश के अंदर, फुल तेज़ गाड़ी उड़ाते हुए पानी उड़ाते हैं लोगों के ऊपर, लोग हमारे ऊपर उड़ा रहे हैं, हम उनके ऊपर उड़ा रहे हैं, फिर मज़े करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पकौड़े खाने किसके मेरे, यहाँ के जो पकौड़े की शॉप है उन लोगों ने मना कर दिया कि हमारे शॉप की वीडियो नहीं बनाइएगा। तो हम जो है आपको एड्रेस भी नहीं बता सकते ना उनकी शॉप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि आप हमारी शॉप की वीडियो ना बनाएं, आप अपनी खुद की बना लें। तो हम अपनी खुद की बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो कमेंट्स में ये मत पूछे। मैंने आपको जगह का एड्रेस बता दिया कौन सा चौक है, ये अपना हिरन चौक, इसके सामने ही पकौड़े मिल रहे हैं। बारिश में भीगते हुए आखिरकार इधर पकौड़े खाने पहुँच गए। हमें ये पता था कि बारिश का मौसम है, हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम पहुँचेंगे और स्टार्ट हो जाएगी। आ रही है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश हो तो पकौड़े समोसे खाएं, बड़ा मज़ा आया। बारिश तो आपको गरम गरम में अच्छे लगते हैं, बड़े गरम गरम ही है, अच्छे लग रहे हैं। जैसे बारिश का मौसम हो उसमें ज़्यादा मज़ा करते हैं, वैसे भी करते हैं, पकौड़े हो, डबल रोटी हो, समोसे हो। एक दिन जरूर जाना मेरे पास आना, मेरी क्यूट जाना, रिवो में आना। पकौड़े का मज़ा डबल रोटी के साथ भी है, लेकिन ज़्यादा मज़ा खाली पकौड़े को अगर आप चटनी में डिबो के खाएं ना। मौसम है, मौसम में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़्यादा मौसम का मज़ा आया ये बात पकौड़े खा के भी आ गया। अभी हम आपको हमें वापस भी निकलना है, अब देखते रास्ते में बारिश होती ही नहीं होती है। एक छतरी है हमारे दादा की दीवी, रेनबो छतरी। इनकी पकौड़ों की दुकान जुम्मे वाले दिन बंद होती है, जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं ये। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे कैमरे के लिए दुआ कीजिएगा कि ये ठीक हो जाए। इसमें हल्का सा पानी चला गया है और पुल भी पीछे जाम हो गया है कोटरी का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक दिन जरूर जाना मेरे पास आना, मेरी क्यूट जाना। बहुत तेज बारिश वापस स्टार्ट हो गई है भाई वापस।